अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिटी न्यूज़ प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जट नानी। असां अॼु वरी ॻाल्हाईंदासूं जेके इस्लामाबाद में मौजूदु ॿई धरणा आहिनि उन हवाले सां, पर अॼु उन्हनि धरणनि खे असां ॾिसंदासूं सिंध जे हवाले सां, सिंध इन्हनि धरणनि खे कीअं थी ॾिसे ऐं सिंध जा मफ़ाद जेके आहिनि उहे इन्हनि धरणनि सां कंहिं मुतासिर थी सघनि था, नथा थी सघनि, ऐं ओवरऑल धरणा ऐं पार्लियामेंट जो घरेलू इजलास उहे बि कीअं रहिया, छो त पार्लियामेंट जो घरेलू इजलास कल्ह ख़तमु थी वियो ऐं उन इजलास जे हवाले सां तमामु घणियूं उमेदूं हुयूं त हिन धरणे खे ख़तमु करण लाइ पार्लियामेंट जो इहो गॾियल इजलास को किरदारु अदा कंदो, पर उहो किरदारु असांखे पार्लियामेंट जो नज़र न आयो। मूंखे जॉइन कयो आहे जे हिते पंहिंजे स्टूडियोज़ में सीनियर कालम निगार ऐं असांजे नौजवान दोस्त जनाब नसीर मेमण साहबु। नसीर साहबु, तव्हांखे भलीकार चऊं था। नसीर साहबु, सभिनी खां पहिरीं त जेकर पाण ॾिसूं त हीअ धरणा वेठा हिते मौजूदु आहिनि, छटी सतरी ॾींहं थी विया आहिनि, पार्लियामेंट जो इजलास बि हलियो पियो, अरिड़हं ॾींहं हलियो, हुन खां पोइ ख़तमु थी वियो कल्ह। उमेदु इहा हुई त पार्लियामेंट मां शायदि को रस्तो निकिरी अचे, पर सवाइ हिनजे त जमहूरियत आइन ऐं पार्लियामानी इदारनि ते हिकिड़ो भरपूर एतमाद जो इज़हारु करण खां पोइ उहो इजलास ख़तमु थी वियो। धरणनि जे हवाले सां को फ़ैसिलो असांखे नज़र न आयो, त ओवरऑल पार्लियामेंट जी कारकरदगी ऐं हिन धरणनि जो मुस्तक़बिल, उनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? ॾिसो, पार्लियामेंट जे इजलास खे को डायरेक्ट अहिड़ो त को डिसीशन करिणो कोन हो। मिसाल पार्लियामेंट वेही इहो इंतिज़ामी मसइलो आहे न, पार्लियामेंट वेही फ़ैसिलो न कंदी त सुभाणे हिनखे ॿधो या सुभाणे हिनखे लठियूं हणो या सुभाणे हिनजे पेरनि ते हथु रखो। पार्लियामेंट हिकिड़ो सिम्बॉलिक जेस्चर ॾिनो ऐं उन में मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उनजो फ़र्क़ु बि पियो आहे। जे जीअं जॾहिं पार्लियामेंट इजलास शुरू थियो उन्हनि ॾींहनि में उहा हीट वधीक ई धरण जी, हाणे त थोरो स्टीम आउट थी वई आहे, त उन वक़्तु जेके पार्लियामेंट में तकरीरूं थियूं ऐं पोइ जंहिं तरह मिसाल तौरु हाशमी उते जेके ॻाल्हियूं अची कयूं ऐं नवाज़ शरीफ़ जे फस्ट टाइम पार्लियामेंट में बीह जॾहिं फर्मनेस पंहिंजी ॾेखारी ऐं इवन जेको हू ॻाल्हि पिए हली त बाबा आर्मीअ खे हिननि में त करे घुरायो आहे, उनखे जॾहिं हुननि कंफ्रंट कयो ऐं पोइ सॼी मुखालफ़ धरो हुन में हिकिड़े पासे थी बीठी, त उन सॼो हिकिड़ो माहौल त डेफिनेटली उनखे पैदा कयो। सही, त उन हद ताईं त पार्लियामेंट पंहिंजो रोल अदा कयो। उनखां पोइ पार्लियामेंट को जिरगो ठाहियो, हाणे जिरगो ज़ाहिर आहे निगोसिएशन्स आहिनि, इमरान चए थो असांजा अधु मुतालबा बि न मञिया अथनि, मुख़्तलिफ़ इंफॉर्मेशन आहे, के माण्हू चवनि था ॿियूं ॻाल्हियूं मञी वियूं आहिनि, हू चए थो न हाणे नवाज़ शरीफ़ वञे बाक़ी ॻाल्हियूं पोइ ॾिसंदासीं। पर जेके इमरान जा ज़ाती वेझाल कान जिन सां असांजो उथणु वेहण आहे, जेके तमामु हुनखे क्लोज़ माण्हू आहिनि, उहे इहो था चवनि त हाणे जेका शइ सुई अची फाथी आहे, उहा जंहिंजे फाथी आहे त जेका तव्हां हू कमीशन ठाही आहे उनजो टी ओ आर कीअं हुजे, उनजे टी ओ आर ते फदो आहे। खान साहिब जी मिसाल तौर इहो इंसिस्टेंस आहे त भई उहा जेका जुडिशल कमीशन ठहे उन सिर्फ़ु जुडिशल न आहे पर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ीक्यूटिव पावर बि हुजे, जीअं ई इस्टेब्लिश थिए त हीअ दांदली थी आहे या थी आहे त पोइ उनखे एक्शन जो तव्हां पावर ॾियो। सही, ऐं उनजो टी ओ आर में इहो हुजे त भई टीह चालीह कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जेके असां रेंडमली चऊं था त पिक थियनि या रेंडमली न, पर हू शायदि खे सजेस्ट कंदा। बिल्कुलु, जेकर उन्हनि मां इहा शइ प्रूव थी वञे त तंहिंजी माना पोइ सॼी मुल्क जा जेके नतीजा ग़लति आहिनि पार्लियामेंट घर वञे। नवाज़ शरीफ़ वारनि जो जेको चवणु आहे त भई टीह चालीह त ठीकु आहे तव्हां कयूं, पर उन करे हीअ सॼी जेके पुणा 300 कॉन्स्टिट्यूंसी आहिनि उहे सभु नल एंड वाइड छो थियनि। सो इन ते सुई अटकियल आहे त उन कमीशन जो टी ओ आर छा हुजे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उहो जेकर डिसाइड थी थो वञे त पोइ नवाज़ शरीफ़ जी रिज़ाइन त उन सां कंटिनजेंट थींदी न, जेका हू चवनि बि था भई ठीकु आहे सुभाणे प्रोब इस्टेब्लिश करे ॾिसो पोइ नवाज़ शरीफ़ खां केरु रिज़ाइन ॾियारे न ॾियारे, पर जेकर अज्यूम था करियूं हिकिड़ो सिनरियो त सुभाणे इहा कमीशन चए थी त हा टीहनि मां जेको असां इन्वेस्टिगेट कया या 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज उन में ख़बर पई त हिकिड़ी ऑर्गनाइज क़िस्म जी थी आहे दांदली, हिकिड़ी त न लोकल इंफ्लुएंस वारी उहा सॼे पाकिस्तान में थी आहे, त पोइ जेकर अहिड़ी शइ अची थी वञे पोइ त नवाज़ शरीफ़ कहिड़े मथां रहंदो, इहा सीधी सी ॻाल्हि आहे। सो हाणे ॾिसो ॿी ॻाल्हि हिकिड़ी जेका इंपॉर्टेंट आहे, अपार्ट त मतिलबु इमरान ख़ान जे तरीक़ेकार सां असांखे सौ इख़्तिलाफ़ आहिनि, पर ॿ ॻाल्हियूं इंपॉर्टेंट आहिनि। हिकिड़ो, हू कंसिस्टेंसी सां वेठा आहिनि, तव्हां हाणे खां इनकार नथा करे सघो। ठीकु आहे, पोइ हुननि खे सपोर्ट ई कीअं हुई, स्पेस कीअं मिलियो, हेसि ताईं पहुची कीअं विया, या ॿी ॻाल्हि आहे त मामा सिदीक बलोच खे तव्हां जेको आहे प्रेस क्लब में बि न अचणु ॾिनो ऐं हीअ त रेड ज़ोन जे पार्लियामेंट ऐं प्राइम मिनिस्टर हाउस ते पहुची था वञनि, इहा अलॻि ॻाल्हि आहे, पर हिकिड़ी कंसिस्टेंसी सां वेठा आहिनि, माण्हू हुननि वटि अचनि था, इते हेड काउंट जो मसइलो कोन्हे, पर हू हिकिड़े शयुनि खे ब्लॉक करे हिकिड़ी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करे चुका आहिनि। ॿियो त तरीक़ेकार सां इख़्तिलाफ़ु पंहिंजी जाइ ते, या इमरान जे लाइ जेको इहो परसेप्शन जेको सॼो टोटली ग़लति बि कोन्हे त उहो किन धुरियुनि जे चवण ते ई सॼी फॉर्मेशन थी आहे उहा त नज़र अचे थी, पर हू जेके ॻाल्हियूं कनि था मिसाल इमरान जो जंहिं क़िस्म जा पॉइंट ऑफ व्यू आहिनि उन सां डिसएग्रीमेंट केरु कोन थो करे पियो सघे, छा रिगिंग कान थी आहे,
मैसिव करप्शन मुल्क में नथी हले पार्लियामेंट हाँ मैं हुनर हल तो नो चाह सब चोर वेठा पर पार्लियामेंट में मेजॉरिटी करप्ट मानू ने फ्यूडल लॉर्ड्स की कान्ने वो फ्यूडल बहराड़ी जहा हुन या शहरी हुजन एक बंदूक के जोर वाला फ्यूडल लॉर्ड बया वरी बनी पानी धंधे जहाँ फ्यूडल लॉर्ड तो ये जो सजो सिस्टम आ उन सिस्टम जड़ी तरह आम शहरी के तबाह कर जड़ी तरह उनकी जिंदगी पाकिस्तान में तबाह थी हैं लोकल गवर्नमेंट्स न अची सकन उन्हें चाहिए बाबा जमहूरियत बचे सब असा चौदह जमहूरियत बचे पर कामदार का पुछो तो सही उन्हें जमहूरियत ला जिंदगी आ कोड़ा खादा जेल खादा वो इन जमहूरियत के आइडियलाइज था कन तो चोर वे तो बो चोर अची वे सो उ जो उन सवाल उथारा उन्हें डिसएग्रीमेंट पाकिस्तान में हाँ केर भी को करे इन एज आए उतने वेठो हाँ रियलिटी हाँ या तो हुकूमत उनके लठ डाणी उथारे या नेगोसिएशन के जरिए वो गाल मिली वन उठी वन या तो वस इन तो टों अची चे तो भाई घर हलो न पर ओवरऑल तुम चो हाँ उनके इल्जाम गाल ताहिरुल क़ादरी है इमरान खान है चलो गाल घे हद तीन ठीक भी होंद पर जमहूरी जो भी निज़ाम जो मुल्क जिते जमहूरियत आई है तीन कुछ प्रोग्राम में अगे चवंदा रहा हो तो आसे आसे रिफाइन थी है इदारा मजबूत जो मन तसलसल हुजन खे तसलसल हों तो उन आसे आसे बेहतर थी वो तो यो जो नवाज शरीफ वजीर अजम नवाज शरीफ गाल करे तो यो इख्तियार पंजन हजार के दह हजार के वी हजार मानून के दई सके तो तई पार्लियामेंट है जहाँ अड़ा करोड़ आवाम की नुमाइंदा हाँ उनमें वोटन के वोट केतर मानू दिनों वह दार गाल ये अची जथा वी अची ये प्रेशराइज कर हुकूमत घर मोकिलन तो ये अग्न ही जाहिर है तरीकेकार ठी सके तो जी अगमें अठवंजा बी यूज इं अगत हली वही ये जथाबंदी वाली सियासत शुरू थी वी तो ये जथाबंदी वसीले निज़ाम के चैलेंज करण यो दुरुस्त है न असो इख्तलाफ़ ही इन शे मुझे पैदा जाती हुआ तो भाई तुम ये घेराव कर पह जिले जहाँ मानू वी अची विहारे कि भाड़े से कि कें इशारे से वो हाँ विहारे जो सिस्टम के रगमाल कर सिस्टम खराब आ सही इन सिस्टम के बचाने अड़े शिकल में ना चाहें आई मीन सिस्टम में मुराद डेमोक्रेसी में ना चाहें द वे दे ऑपरेट मैं वो तो चवान वो खराब आ सीरियसली फ्लॉड आ मिलफाइड आ एंटी पीपल आ पर उनके टॉपिल जर अज ये कह तो मुल्क में एक इंतहाई गलत रिवायत थी वो इतने को माना सौ गाल न सुे तक मदरस जहाँ पंज हजार शागिर्द वी अची विहारे छो असि मर्जी शरीयत हलो ना हलन दूँ सुबह ही जे हमरा वेठा प्रेस कॉन्फ्रेंसू कन ओचितो था निंड में जागी चवन रोज छह महीने छिरक था भरन तो नौ सूबह उठाए जो ये दवी हजार मानू वी हाँ विहारे छा अ सुबह जो तो असा ना उतूँ उन मनी अस सागे पाकिस्तानी असि चुन था मनु जैसे जहाँ शे मंजानी हुए इन मुल्क में वह जै भी किस्म की हुए तो अड़ो खतरनाक एटम बम ईजाद कर हर मूँ के घर में दई वो पंज दह पंद्रह हजार मूँ मुल्क में घर करण को मसलो आ सिंध में मल मलाखड़े तो दह हजार मूँ घर थो लियारी में फुटबॉल की मैच करा वी हजार मूँ घर थो अरह करोड़ आबादी आ पंद्रह हजार मूँ आने तो कोई प्रॉब्लम ही को केर बाने सो तरी कॉन्स्टिट्यूशन में वो दह बसू भरा सुबह विहारे सके तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर कारी कम जायज है सही सो यह खतरनाक रिवायत है अस बिल्कुल उनके डिसएग्रीमेंट ही यो एग्जैक्टली यो ही सो समझा तो इन तरीकेकार से इख्तलाफ असा सभी के है पाकिस्तान के हर समझदार मानू के बाकी जो जर इमरान खान मुझी नजर में थोड़ो पेशेंस का कम वे हाँ कादरी के तो एंटिटी समझा ना सियासत में मैं उनके ऐलान ही ना चाहे वो तो एक अलग किथा नाजुर कन था वो उनके दफ्तर दियन था वो पढ़े तो रोज एक हवाल कर वो खैर उनको अलग धंधो है उनके पंजो एजेंडा है इमरान वट बहरहाल उनके रिकग्नाइज करो पव ही इज अ पॉलिटिकल एंटिटी एक प्रांस में उनकी पार्टी की हुकूमत आ पार्लियामेंट में इलेक्शन के दौरान उन दो नंबर वा वोट खया इनमें कोई शक को हाँ या बी गाल इलेक्शन ठीक थे पीपल्स पार्टी एन पी जड़ी तरह कैंपेन बंद कराई वे या नी आ तो शक भी उन पर उन्होंने हो पर बहरहाल इमरान वाली धुर है तुम खान इनकार नहीं कर सो so, मैं यो तो समझा तो जर इमरान खान थोड़ो सेंसिबली बिहेव करें तो भला साल डेढ़ गुजरी हो इन विच में उन अपॉर्चुनिटी के पी के रोल मॉडल ठाए पे सको सच्ची गाल यह है मतलब के पी जहर डेढ़ साल में चेंज तो वही कान थी पर कुछ उतने सिम्पटम्स नजर आया तब्दीली जो उतना मूल बुधन था कुछ अस्पताल जो निज़ाम कुछ बेहतर थो पुलिस जो निज़ाम कुछ बेहतर थो स्लाइट स्लाइट पंजा सठ साल गंदा तो जो पंज साल
दिन रात लगाए केपी के मॉडल ठाए पाकिस्तान के चाहे या मुझी गवर्नेंस हिं तक बाकी सूबा ठाए दींदुस तो इमरान अपॉर्चुनिटी प्लस इलेक्शन रिफॉर्म के एजेंडा से तो मुल्क में को डिसएग्रीमेंट को ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस हर मानू जो हाँ इतने एजेंडा है बेशक जो उन चोरी के नतीजे में वेठा उ मुखालफत ना कर सकन सो जो तो उन एजेंडा के फर्मली खी वा कंक्रीट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से जमी बी रहे हैं उन कमेटी ठही उनके अना रिफाइन कराया पूरी मोबिलाइजेशन करें हाँ सोसाइटी में तो मां समझा तो बी अपॉर्चुनिटी उन पार्लियामेंट में इहा हुई बजाय इन शॉर्टकट के अचान के तो पिंडी में फोन अचे तो विक्ट्री का निशान ठाए बटी ठाए मूँ हेठ लहे जो दुनिया दिसे तो भाई इन मूँ जो तो पोसल वारस के बिहार सो जर वो थोड़ो लॉन्ग पाथ के वे हाँ शॉर्टकट के चक्कर में एतो ओवर एम्बिशियस न थे हाँ तो समझा तो इमरान खान पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में तमाम वो पॉलिटिकल फ्यूचर हो नसीर साहब ऐसो मुतालबन की या गाल हद तीन उनके सपोर्ट करण जो तुम चो तो वही गाल सो सिस्टम ही करप्ट है धांधलियों थी सब कुछ है ये गाल केर नो करे मुल्क में तुम बुधा धांधलियों की गाल भी थे थी करप्शन की गाल भी थे थी करप्शन की गाल उन बुनियाद जिन केसेस जो हवालों इमरान खान इन कंटेनर्स से बी करे तो उहरा केस दाखिल थे तद ही अज उन जिक्र उन कंटेनर का उनके फ्लॉज इन सजे सिस्टम में उन निशानदेही थी रही है पार्लियामेंट जहाँ ऐवान होजन या बाहर जो वेठल दूरियन उ कदू रही वन असल गाल यह है तो उनको तरीकेकार जड़े नमूने अची इकतदार से कब्जो कर जैसे अस तरीकेकार ऐसा तो उन जबान में जो लफ्ज निकरन था उनकी तो हैसियत नी रहे नो तो कें बया मकसद खी आया उन मकसद यो तो को निज़ाम के दुरुस्त कज उनके आया तो निज़ाम के पटड़ी ता लाइज तो उन सूरत में उनके क्या तो सब भले वो गाल सोनन वर्कन में वेड़े कर तदें उनके सपोर्ट तो नो कर बिल्कुल उनके सपोर्ट न पो क्या सिर्फ इख्तिलाफ़ थो असो जो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू है वो इख्तिलाफ़ अड़ा है इन तरीकेकार तरह मैं चाहता ना तो हि जो गेम है साफ़ नज़र थी अचे जी कन्वर्जेंस थी बिन धड़न की पहले ढी का वी वह बुधाई थी तो स्क्रिप्टेड है ना सही जे मुँ तरह चो तो इमरान लॉन्ग पाथ वे हाँ तो उन अपॉर्चुनिटी तो हुई ना बिल्कुल मिसाल इो ही एजेंडा जो लॉन्ग पाथ तुम अचे हाँ तुम मुझे एक गाल बुधा तुम लास्ट इलेक्शन 2013 की याद कर सिंध के वोटर्स की डेटा खी दिसो यकीन कर तहरीक इंसाफ जहाँ उ कैंडिडेट जो अस नालो भी न बुध शिकल भी को सुण उन सिंध के बहराड़न में स्ट्रॉन्ग सिंधी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 10,000 वोट कासिमाबाद कासिमाबाद में मतलब नेशनलिस्ट से लगभग उन वोट पे मिले यो हो तुम थोड़ो इन गाल समझो का रिगिंग बोन के हथ में कान सची गाल कासिमाबाद में तरीक इंसाफ वट शायद पोलिंग एजेंट भी पूरा न हों रिगिंग पर ही गाल उनके बावजूद 8,000 वोट कया तो इंडिकेट करें माना मानू समझन था एक वेकम आ सिंध में वो दिसन था बाबा नवाज शरीफ तो सिंध के पीपुल्स पार्टी है उनको शायद फार्मूलो यो पंजाब तुम हलो सिंध तो अस हलो तुम उतना खाओ अस खाएन तो बई माल पाया हि डेमोक्रेसी के इन झेड़े में इन फायदो थे अदरवाइज तुम ख्याल में पीपुल्स पार्टी की सिंध की सर्विस कई है बिंग कई है ठीक है तो सिंध जहाँ मूँ दिसन भी पाया तैयार है अजाब थी वे पीपुल्स पार्टी सिंध के लिए हाँ उन में जान छड़ने ला वेचारा ऑप्शन दिसन बदकिस्मती से नेशनलिस्ट मूवमेंट मूँ के डिसअपॉइंट किया इलेक्शन के दौरान रीजन्स अपार्ट उन अलग गाले सूँ था पर मानन वट जो उन एंथ्योसिज्म हो नेशनलिस्ट उनके कैपिटलाइज न कर सके उन वैक्यूम के हू न कर सके तो हाँ उन वैक्यूम में तुम हैरान थी वासी अस जैसे वोटिंग को पैटर्न दिखोसी इमरान खान के सिर्फ इन तकरीर स्पीचेस से मूँ उन तरफ वन लगा सो जर हि 5 साल उन मॉडल के डेवलप करे हाँ एक मैच्योर पॉलिटिशियन तौर अगे अचे हाँ यो फेंटी लगा दो टांगे तोड़ दो वाली जटकियों गाल न करें हाँ जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बुधा तो इमरान के एजेंडा वट इमरान के पार्टी वट इमरान के आउटलुक वट फ्यूचर मौजूद हो डेफिनेटली यो समझा कराची के अंदर तुम ऐसो फर्स्ट टाइम कें मूँ जो माना एमक्यू जो दब दबो गन पावर के कराची में ललकार मजाक हुई नाजमाबाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज खटण उत धरणा हणी वेही रहन ट्रेतलवार वट धरणा हणी वेही रहन स्ट्रॉन्ग होल्ड में इनके चैलेंज कर नंढी शे हुई मुझे बुधा अस दही इलेक्शन डिठी है जिते एमक्यू जो मूँ बीहे तो बेहे जो तो जरूरत नी उत बीहे छो तो गन पावर है केर उनके क्वेश्चन भी नो करें मीडिया भी कमाल है तो इन मैं यो तो चवें तो इन सजे जो स्टेटस को हो उनके शेकअप कर इनका इनकार न कर सकता बिल्कुल तेज कर पोटेंशियल फ्यूचर हो
प्रोजेक्शन तो ड्रा करें तो जर ही शॉर्ट पाथ वे चक्कर में न पवे हाँ थोड़ा सब्र से टे साल साढ़ा टे साल अना बी पॉलिटिकल मूवमेंट में रहे हैं भला पा वेठा पीपुल्स पार्टी कीड़ी भी खराब आ दह भेरिया धांधलू कर पीपुल्स पार्टी के हटाया हुन ठीक है वह भी मार्च कह स्ट्रगल कह पर ठीक है पॉलिटिकल स्टाइल हो ना उनको बी गाल तो नेशनल आउटलुक दींदा बो उन प्रॉब्लम यहाँ जी टी रोड और पेशावर के बार मू उन को असा के हिंसर तीन को कंटेनर में सिंधी बलोच फेस प्रामिनेंट नजर न तो अच्छे स्पीकर्स में मुठा थी सर मिस कर पर तुम रोज वो बुधा फेस है मोबिलाइजेशन ही कन ना बन सूब में वो यो तो समझे तो ही पावर सेंटर जो जी टी रोड या जिला जर उतना हिट क्या तो उन सजी स्ट्रगल के पुठियां जर अस माजी जहाँ प्रोटेस्ट पीपुल्स पार्टी के मिसाल रिकॉल क्यों तो उनको नेशनल आउटलुक हो वो नेशनल आउटलुक भी को हाँ कराची वे पो सो अस तो अपॉर्चुनिटी मुझे ख्याल में अपॉर्चुनिटी लूज कई टाइम था ब्रेक जो था ब्रेक थे नारियन प्रोग्राम में बेहर भलीकार नसीब साहब इतने ही धरना हलन पाया चलो सिंध में अस पीपुल्स पार्टी या एम क्यू एम के चई सकूँ था कुछ दुरियन जे कें पास बीठी हैं हाँ वो जमहूरियत के बचा लाइन पार्लियामेंट लाए उन पास बीठी पर जे दुर पे पान के सिंध जो असल मालिक समझन थी अस कौम परस्त अस दानश्वर उ ला तालुक नजर आया इन सजे इशू में यो तो तासुर जो है तो पंजाब जो जड़ो पंजाब से है इस्लामाबाद में पे कर सिंध जो वे असि जी ला तलुकी है यहाँ अस फायदे में है नुकसान में है इनके किसो तुम असल में हाँ ये जो धरण जो सजो एजेंडा है हाँ चवण का अस मुल्क जो हिस्सों में तो मुल्क में जो कुछ भी असरअंदाज पर इशूज हूँ जिनमें तुम डायरेक्टली तुम दिसा तो भाई हि अस रेलिवेंट केतो हाँ पा में वेठा हूँ कौम परस्त उन्होंने खराबी में घड़ी ना तनकीद खुली कह पर इन्हें खाली हथन पेरन से आखिर घड़न इशूज से अस चूं तो रोड़न प्रेस कॉन्फ्रेंसूँ कन जलसा कन सब पान में वेठा को तहरीकू हलन को खुदा कान तो कौन थी हलन न तहरीकू बिल्कुल तुम को धरणो हणद को पंफलेट कौ को बयान कौ का कॉन्फ्रेंस कौ को मानून वट वो यो सजो लखन करोड़ जो खर्च हों अस हर नंढे वे इशू से चूं तो था कौम परस उन शे अगैं थन पर ऑनेस्टली दह इशूज सिंध में बया पा धारियाबाद कारी जो इशू हले पो आई डी पी जो मसलो हलो पे मथा फ्लड पे आई ही अलग सूबे आ ड्रामा अलग पाया हलन तो उनमें जो उन लिमिटेड एनर्जी ए रिसोर्स उन्होंने वो हूँ वो चाहता हाँ यो सत समुंड पार वही उत वो धरण से भी ऐसा उनको भी हिस्सों थूँ तो मुझे ख्याल में ये प्रैक्टिकल भी उन्होंने लाइक को बी गाल तो भाई हाँ मिसाल तौर कादरी छवी सूबन की वेठो गाल हाँ उन एजेंडा से अस पान के कनेक्ट कर बया मुतालबा उन पार्ट मतलब मैं जो उनके वन 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 बाय वन खणम पर इन एकड़ी शे के जो सो कॉल्ड इंतजामी यूनिट की खबर ना इंतजामी यूनिट छा जो चंदा सिंध विरायण ना चाहिए इंतजामी यूनिट ठाणी इंतजामी यूनिट तो डिवीजन है तो सूबे अंदर डिवीजन है वह तो टही पी है अंदर डिस्ट्रिक्ट बन अंदर टाउन बन थी इंतजामी यूनिट सो ये कादरी वो ये फलसफो नतीजे में उनकी लाहौर वाली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में असाजे जलाल शाह साहब की पार्टी वही तो मान ओपनली क्रिटिसाइज कर सो समझा तो उन्होंने के भी बन पार्टियों के भी एहसास थोड़ा भाई हि पराई गेम खबर आ ऑर्केस्ट्रेड आ खबर आ कड़ी तरह गड ये दौल तमाम वजाए निकरन था सागया डी सागया रूट वरी धरना गड था लगन वरी सागे मल बिनी तो नजूर तो थे तो हलो तो पार्लियामेंट गड था हलूँ वरी प्राइम मिनिस्टर हाउस भी गड था हलूँ तो ये सब कड़ी बुधाइन थी थी गेम तक बेन जी ना तो उन गेम में डायरेक्ट सिंध के को वक्त छोटी टकरा बहरहाल उनको सेंटर तो पंजाब है इन का इनकार न तो कर सके वो फोर्स भी पंजाब की उनके जो डिस्टेबलाइज कर चाहन थी वह भी पंजाब जहा तो सिंधी मानू बजाय कोई डायरेक्ट स्टेक न पो दिसे पीपुल्स पार्टी जहाँ स्टेक है एज अ पार्टी छो वो छो है पीपुल्स पार्टी मां ऑनेस्टली समझा पीपुल्स पार्टी के खबर ना जमहूरत को केदो दर्द हो पर उनके इन में पंजा स्टेक्स था नजर अचान जी सु सिस्टम तो कोलैप्स थे वाइंडअप थे धांधलियों जहाँ रिकॉर्ड खोलन तो पीपुल्स पार्टी सुन में धांधलू को एम क्यू एम कराची में धांधलू डंडे जोर से को सो ये जो सब जमहूरियत चैंपियन थे बीटा उनके जमहूरियत से पाँचा नैरो इंट्रस्ट बने अस विण घुर्ज पर बहरहाल जमहूरियत क्वेश्चन वो तेरे अस हिंसर जाहिर वो सपोर्ट कर लंदन प्लान की गाल थे
तो लंदन प्लान में हिकड़ी शयूं आहिनि जेके त बिल्कुलु खुली आयूं आहिनि, ॿियूं आस्ते आस्ते खुलनि पियूं, जिन में इमरान ख़ान ताहिर कादरी जी मुलाक़ात, चौधरी बरादरान जे जेका एंट्री उते थिए थी, उहे सभु शयूं उते कुझु ॿिया माण्हू हुआ जिन जूं मुलाक़ातूं थियूं आहिनि, जेके रिपोर्ट थियनि पियूं मीडिया में। पर इहो बि चयो पियो वञे हाणे जेके ख़बरूं आयूं आहिनि त ताहिर कादरी ऐं अल्ताफ़ हुसैन विच में मुलाक़ात थी, ऐं उनखां पोइ हुन अची जेको 26 इंतज़ामी यूनिट या 20 इंतज़ामी यूनिट जेको अल्ताफ़ हुसैन ॻाल्हि थो करे, उहा जेका एजेंट आहे जेका अलामा ताहिर कादरी जी सॼी एजेंट आहे, उहा सॼी उहा डिस्कस उते अल्ताफ़ हुसैन हिन विच में थी आहे। उनखां पोइ अलामा ताहिर कादरी खणी आयो आहे, पोइ एम क्यू एम डायरेक्टरनि सां कोन्हे, पर तव्हां मॉडल टाउन खां वठी ॾिसो उते गवर्नर जो वञणु या हिनखे मॉडल टाउन मां निकिरण लाइ जेको रस्तो ॾियण लाइ अल्ताफ़ हुसैन जा टेलीफोन, गवर्नर जा फोन, वरी हिते इस्लामाबाद में गवर्नर जो अचणु, ऐं उनखां पोइ इहे सभु मामला अॼु बि जॾहिं ॻाल्हि हिते अची पहुती आहे त हाणे वरी अल्ताफ़ हुसैन बि उन इशू ते शुरू थी वियो आहे। त ही त जॾहिं ॻाल्हि सिंध जी थिए थी तॾहिं सिंध खे विराइण जी ॻाल्हि थिए थी, उन वक़्तु ज़ाहिर सां इहो इशू थिए थो, उन वक़्तु कीअं था लातालुक रही सघूं। त ऐं हिन जी इब्तिदा त मॉडल टाउन लाहौर खां ई थी चुकी, जॾहिं ताहिर कादरी इहा ॻाल्हि कई ऐं एम क्यू एम लाॻी त उनखे सपोर्ट कंदी रही, त छा उन हवाले सां असांजो को बि किरदारु नथो थिए सम्झो? न, उन सवाल ते त ठहे थो। ॾिसो, हिन त 10-12 इशूस खयां आहिनि न, पर हाणे इन धरणो जेको हिते वेठो आहे उन हिकिड़े इशू ते कोन्हे, इहा ॻाल्हि सम्झणु घुरिजे। बिल्कुलु, बुनियादी तौर ते त धरणो इन लाइ वेठा आहिनि त सिस्टम थिए कल्टी। अच्छा, मां सां तो कादरीअ खे बि ख़बर आहे त 26 यूनिट ठहिणा कोन आहिनि, इहो ई रिंगट जेको कनि पिए था, इहो बि टोटली इम्प्रैक्टिकल आहे। पीपुल्स पार्टी हुकूमत में वेठी आल पावरफुली, मथां पार्लियामेंट मां कमीशनूं ठाहे बि कोन करे सघिया, थो उन्हनि खे बि सराइकी कार्ड पिए खपियो। सुई आहे त ड्रामेबाज़ी कादरी ऐं एम क्यू एम जो अलायंस सॼो चिटो आहे। उते धरणनि में कंटेनर जॾहिं आया ऐं रस्ता ब्लॉक थिया त हीउ जूस ऐं बिस्किट खणी वञी पहुता। माना मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, जॾहिं आई डी पी जी आमद ख़िलाफ़ सिंध बचायो तहरीक वारनि धरणा पिया हया सॼी सिंध में, कमेटीअ सिंध बचायो उसूलनि एम क्यू एम धारी आबाद करी ख़िलाफ़ हुई न, त उतर मां माण्हू न अचनि उन लाइ त जूस या दॿा खणी वञनि, वॾा चैंपियन थींदा आहिनि आई डी पी जे ख़िलाफ़ जदोजहद में चङा मुड़ुस थी बीह रहंदा आहिनि। त हमने तालिबान के ख़िलाफ़ पहले बताया था कि आ रहे वो आ रहे, तो उन लाइ वञनि हा न जूस या दॿा खणी। कादरी वटि छो पिए विया? सीधी सी ॻाल्हि आहे, कादरी इलाही आहे, कादरी ऐं हुननि जो एजेंडा कॉमन आहे। इहो ई हिकिड़ो रीज़न आहे जो मां सम्झा थो त कादरी सिंध जे हवाले सां हिकिड़ी पलीत नियत रखे थो, ऐं मां कॾहिं बि न चाहियां। तॾहिं ई असांजो इख़्तिलाफ़ हो जॾहिं असांजा दोस्त उनजे कॉन्फ्रेंस में विया, त मुंहिंजो इहो ई इख़्तिलाफ़ हो त कहिड़ी तरह तव्हां उन कॉन्फ्रेंस में वञी वियो था जेको माण्हू 26 यूनिटनि जी ॻाल्हि थो करे। सो इन जे करे इन इशू ते त असां बिल्कुलु चिटा आहियूं, त इन ते त को सुवाल ई पैदा कोन्हे कंहिं बि क़िस्म जो। बाक़ी नसीर साहब, ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखूं था, टाइम हिकिड़ो ॿियो असांखे एमरजेंसी में ब्रेक वठिणो पियो पए, नारियुनि हलूं था ब्रेक ते, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर बरीकार चऊं था। ब्रेक खां अॻु में असां सां गॾु आहे नसीर मेमन साहिबु, उन्हनि खे कंहिं अहम असाइनमेंट लाइ वञिणो पइजी वियो आहे, जंहिं करे उहे हाणे मौजूदु न हूंदा असां सां गॾु। उन जाइ ते असांखे जॉइन इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी जनाब सदीक साजिद साहिबु। सदीक साहिबु, वेलकम कहते हैं आपको। हम बातचीत कर रहे थे नसीर मेमन साहब से ब्रेक से पहले, हमारे साथ ओवरऑल धरने जो जारी है, पार्लियामेंट का इजलास तो ख़त्म हो गया कल, तो उसका इम्पेक्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस हवाले से हमने बातचीत की। अब आपको क्या नज़र आ रहा है? पार्लियामेंट ने तो जो मैसेज देना था वो दे दिया, धरने वाले उधर ही बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप धरने ख़त्म हो जाएंगे या कोई और रास्ता हुकूमत को इख्तियार करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक हमें नज़र यही आ रहा है कि ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हुकूमत। बहुत शुक्रिया तारा जी साहब। बिल्कुल, काफ़ी लंबा बल्कि तवील तरीन सेशन था पार्लियामेंट का जो ख़त्म हुआ है, लेकिन इसमें जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है। जो अफसोसनाक पहलू था वो ये था कि धरने का कोई हल नहीं दे सकी पार्लियामेंट। वो अलग बात है कि इस धरने की वजह से पार्लियामेंट में मौजूद जमातें जो हैं वो मुतहद हो गईं, इतिहाद और यकजहती उन्होंने दिखाई, करारदादे भी आपके सामने पास हुई, पहले सेनेट से असम्बली से जो अलग अलग सेशन चल रहे थे उसमें हुई, फिर दो इसमें पास हो गई।
वो उन्होंने आइन की बालादस्ती, वो तो जिन कुवतों को पैगाम देना था वो भी दिया गया, इनको भी दिया गया, लेकिन जो असल बात थी वो तो ये थी कि इसका कोई हल निकाला जाता, वो हल नहीं हमने देखा। आपने सही बात की है, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा हुकूमत कर रही है, और अब ये गवर्नमेंट का, कल भी हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं जी हम ये चाहते हैं जो धरने वाले हैं ये खामोश मौत मर जाए, तो यानी कि खुद ही चले जाए, हमने इनको कुछ नहीं कहना। अब ताकत का इस्तेमाल वो आपके सामने है, बच्चे वहाँ बैठे हैं, खवातीन बैठे हैं, तो जब भी वो होगा, फिर वहाँ पर 245 लगी हुई है, वहाँ पर वो सारे का सारा कंट्रोल है फ़ौज का, और अगर जब भी आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बड़ा फिर इसके ऊपर होता है, वो कहते हैं जी ज़ाहिर है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो भी फिर एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो होना तो ये चाहिए था कि पार्लियामेंट एक रास्ता दिखाती, वो रास्ता उन्होंने नहीं दिखाया, मजम्मत उन्होंने की, देखे जी वो पार्लियामेंट की हदूद के अंदर आ गए, उन्होंने एक तरह का यरगमाल बनाए रखा। आपने खुद देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार पार्लियामेंट का इजलास जो है फौज और रेंजर की सिक्योरिटी में होता रहा, डेढ़ माह तक जितने भी अरसे से वो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, एक माह से ज़्यादा का अरसा था उनको बैठे हुए हो गया, फिर रास्ते बंद हुए, इशारा दस्तूर ये वो सारा कुछ, पीटीवी पे कब्जा, पाक सेक्रेटेरिएट, पीएम हाउस के सामने तक ईवान सदर, वो हालात बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये अवाम का अगर ये समझते हैं, जिसका ये दावा भी करते हैं कि 18 करोड़ या 20 करोड़ अवाम का मुंतखब इदारा है, तो इस मुंतखब इदारे को कोई ना कोई हल देना चाहिए था। बेशक सुन ले मेरे बात, इंतजामी तौर पे निकलना है ना पार्लियामेंट, देखें फिर आपको फिर आपको वो तकरीर करने की क्या जरूरत थी जो वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने शुरू में की थी 2 सितंबर को, जब बहस हुई थी कि पार्लियामेंट हमारी रहनुमाई करे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बगावत है, ये सियासी एहतजाज नहीं है, तो फिर उनको वो तकरीर करने की क्या जरूरत है कि पार्लियामेंट हमें रास्ता दिखाए, क्यों मांगा था रास्ता, ये तो आपने खुद कहा। और जब आप उनसे रास्ता मांगते हैं, फिर आप पार्लियामेंट लीडर्स को भी लेकर बैठ जाते हैं सारा, तो फिर रास्ता निकालें, रास्ते से मुराद ये है कि देखें उनके साथ आप बराह बातचीत करें, ये कभी सियासी जिरगा बन जाता है, कभी अपोजिशन का जिरगा बन जाता है, वो तो ज़ाहिर है ये तो लोग लगे हुए हैं, ये तो वो लोग हैं ज़ाहिर है जो कोशिश कर रहे हैं, कुछ पार्लियामेंट के बाहर मौजूद जमाते हैं, कुछ अंदर मौजूद जमाते हैं, कि मसले का पुरमन हल निकलाएं, क्योंकि यहाँ पे जो दो बैठे हुए हैं वो तो इस मकसद के लिए बैठे हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो और उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाए, वो बिल्कुल यही चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को भी अपनी अना का, ज़िद का और हठधर्मी का जो ये एक सिलसिला है, इसको ख़त्म करना चाहिए था, और उनको बराह रास्त, देखें बनीकाला आप चले गए, ये कंटेनर तो बनीकाला से दूर नहीं है, आप आए उनके साथ बैठ के बात करें, अगर आप कहते हैं, और तारुल कादरी तो आपके पीरो मरीद पीरो मुर्शिद रहे हैं, ठीक है वो तो आपको, वो तो देखते ही, वो तो यकीन माने वो इस किस्म का इंसान है, वो देखते ही इनको ख़त्म कर देता, वो कहता जी ये मेरे पुराने हैं, बस आ गए हैं, आपका सिलसिला पता है, पीपल्स पार्टी वालों ने इसको बड़ा अच्छा डील किया था, वही जो वफद चला गया तो उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया, यही सिलसिला था। ये अना अगर हम इमरान खान को हट धर्म और ज़िद्दी कह रहे हैं, या तारुल कादरी को कह रहे हैं, तो कोई नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि हमने 6 में से 5 मुतालबे मान लिए हैं, तो आप उनकी गारंटी दे दें, आप उसके ऊपर बातचीत करें उनके साथ। आपने जनाब देखो, ये गैर संजीदगी का ये आलम है, आपने उन लोगों को बेचारों को कामयाब नहीं होने दिया, सिराजुल अकदा साहब संजीदा आदमी है, और बड़े खुर्शीद सैयद साईं खुर्शीद अहमद शाह, महमूद चगजई, आफ्ताब शेरपाओ, जाजुल्ला, कितने लोगों ने कोशिश की हैं, लेकिन वो आगे से मुलाकात नहीं करते मसूफ, आपने देखा है ना सारा, वो 2 नंबर की आदत बैठा देते हैं, कल फिर खुर्शीद शाह ने कहा आप 2 नंबर की आदत से बात नहीं होगी, तो पहले भाई ना करो, फैसलों का इख्तियार तो किसी और के हाथ में है। अगर आप कहते हैं, और एक बात इमरान खान ने कल बिल्कुल ठीक ही, मैं उसे एग्री करता हूँ, वो कहता है मुझे पता है जब मैंने धरने खत्म किए, अगर ये 5 रकात मान भी लेंगे, जैसे धरने खत्म होंगे ये बुकर जाएगा, इसकी भी गारंटी चाहिए ना। अब फौज को आपने सहूलतकार का किरदार अदा करने के लिए कहा, उनको फिर आपने नंगा करना शुरू कर दिया दोनों तरफ से, वो बेचारे पीछे हट के बैठ गए। सहूलतकार क्या थी वो आपको इमरान खान ने खुद ही बता दिया कि 5 चीज़ें उन्होंने कहा जी हम जमानत देते हैं, नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देगा, ठीक है आप 5 चीज़ें मान गए हैं तो उनको आप इन राइटिंग में ले आए, ठीक है। अभी भी तो जिरगे ने कुछ ना कुछ दिया है ना जी, वही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट जो पहले डिस्कस होती रही है कि जुडिशल कमीशन FIR भी कट गई है, जुडिशल कमीशन के लिए दरख्वास्त भी पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर संजीदगी का, देखें गवर्नमेंट जो होती है ना हुकूमत वक्त,
अब एक तरह की जो तो अपोजिशन दोनों जब आते बैठे तो हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए, कोई बात नहीं, कंटेनर में पीपल्स पार्टी वाले जा सकते हैं। देखें वो गिलानी के साथ भी मिलने जाते थे ना, वजीर आजम था, जरदारी के पास भी मुआयदा लेकर गए, विवान सदर में बैठा हुआ था, लेकिन उसने पावर दी उस डेलीगेशन को, वो जाकर मिला। आप क्यों ये काम नहीं करते, आप क्या मसला है आपका? आप कहते हैं नहीं जी इनका ये है, वो सियासी बयान वही दिए जा रहे हैं, हमने भी सियासी तकरीरें बड़ी धुआंदार किस्म की सुनी और ये सारा सिलसिला चलता रहा, ये चीजें नहीं होती। इस मसले को अगर आप हल करना चाहते हो तो 3 या 4 दिन का मसला था, ये चीजें तो ऑलरेडी हो गई थी। देखें जी जब FIR कट गई, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, राणा सनाउल्ला, ये सारे नाम शाम आ गए, ठीक है, जुडिशल कमीशन के लिए आपने दे दिया और साथ मशरूत कर दिया कि अगर ये साबित हो जाए तो वजीर आजम, इसहाक डार ने खुद कहा था, तो वजीर आजम क्या पूरी गवर्नमेंट फारग हो जाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट फारग कर दे, अगर असम्बलियां सारी फारग हो जाए। देखें जब एक आपकी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ये बात कहेगी कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो फिर जवाब ही नहीं रहता, इखलाकी कानूनी आईनी कोई जवाब नहीं रहता। इफ्तिखार चौधरी ने फारग किया था ना छोटे से इशू पे, यूसुफ रजा गिलानी को चला नहीं गया था, पीपल्स पार्टी से ज्यादा इन चीजों को किसने भुगता है? तो आप दिल बड़ा करें, आप संजीदगी का मुजाहरा करें, आप ये सियासी, कल भी सियासी खिताब था नवाज शरीफ का, देखिए उन्होंने किया क्या है। चले टाइम एक नाज़रीन आलूदा ब्रेक पे सुना कर रहे जो वेलकम बैक नाजरीन। सदीक साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि 5 मुतालबात मान लिए गए, 5 मुतालबात मान लिए गए, तो ये चीज़ें जब चल रही थी आप देख रहे थे उस तरफ शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ के दूसरे लीडरान वो बातचीत कर रहे होते थे, इधर इमरान खान साहब खड़े होते थे कंटेनर पे और कहते थे कि कोई भी बातचीत का नतीजा निकले लेकिन नवाज शरीफ के इस्तीफा के बगैर मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। वो आज तक भी वही बात कर रहा है कि इस्तीफा मुझे चाहिए, जब इस्तीफा मिलेगा फिर ही जाऊंगा। तो हुकूमत ने तो यानी कि बाकी तमाम मुतालबात मान लिए, आप कैसे कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ लफाजी हो रही है या जुबानी माने ना जी, कोई राइटिंग तो मुआहदा तो नहीं हुआ ना, कोई जामिन तो नहीं बनाना। इमरान खान ठीक कहता है, मैं इसकी वाजे तौर पर कहता हूँ, ये पीपल्स पार्टी वाले आप माजी में हम चले जाए, तारुल कादिर से किया था ना मुआहदा, क्या बना उसका? तारुल कादरी कनेडा चला गया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चली गई, हुआ था ना तो ये ऑर्डिनेंस जारी होगा। देखो चलो मैं सारी बात ही कर रहा हूँ ना, ऑर्डिनेंस जारी होगा आपकी बात ठीक है। हाँ। ये गवर्नमेंट कहती है जी हमको ऑर्डिनेंस भी अगर हो ही गया, जाहिर है ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार सदर को है, वो हो जाएगा, अब पार जाना तो पार्लियामेंट में ही है ना, हो जाए, कोई मसला नहीं उसमें, हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बन जाएगा उसमें कोई नहीं, ये देखें। लेकिन इस चीज को दोनों जमातों के दरमियान फिर आपने सियासी जिरगा क्यों बनाया, मुझे बताएं। वो तो जब वो देखे ना, मैं देखें अब कल जो बात हुई है, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जब पार्लियामेंट लीडर्स के साथ बात हुई तो मियां साहब ने, जब उन्होंने खुर्शीद शाह ने ये बात कही कि मियां साहब ये चीजें मेरे पास वो लेकर आए हैं, शहबाज शरीफ का इस्तीफा उन्होंने कहा है कि उनको देना चाहिए, ठीक है, फिर मशरूत इस्तीफा वजीर आजम का, नवाज शरीफ ने कहा कि शाह जी ये तो मुझे लग रहा है कि आप हमें ये जिरगे वाले भी हमें घेर रहे हैं, तो आपने तो फिर शाह जी ने वहाँ पे भी ये तजवीज़ दी, उसने कहा कि इसका अब एक ही हाल है कि ये चीज़ें तो जिरगे ने दे दी हैं, आप अगर आप इस पे एग्री करते हैं तो ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम ड्राफ्ट की शक्ल देते हैं, ठीक है। मियाँ साहब ने कहा जी आप इसको ड्राफ्ट की शक्ल दें, लेकिन साथ ही उन्होंने फिर ये बात भी कर दी, उन्होंने कहा कि एक तो जो धांधली की तारीफ है वो नहीं बदले कि जिसके ऊपर ये दे रहे हैं कि बेकायदगी, मिसमैनेजमेंट, ये वो सारा, उन्होंने कहा जी वो भी अगर बदलनी है तो इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी में आ जाएं, उसमें आकर तय कर लें, उसमें कानून में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, आइन में तरामीम करनी पड़ेगी, उन्होंने कहा जी उसके लिए तैयार है। फिर मियाँ साहब ने कहा कि मुझे इस चीज़ का पाबंद ना करें कि मैं इस्तीफा दे दूँगा या मुझे मशरूत कर दें, उसने कहा ये आप उन पर छोड़ दें, जुडिशल कमीशन पर छोड़ दें कि वो मुझे ये साबित कर दे कि मैसिव रिकिंग हुई है, नंबर वन वसी डाली हुई है, नंबर दो कि ये मैंने की है। अब देखिए उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं किया, ज़ाहिर है इलेक्शन नवाज शरीफ ने बाकी नहीं करवाया, निगरान गवर्नमेंट जिन लोगों ने बनाई थी आपको भी मालूम है, ठीक है, वो जिन्होंने बनाई उन बेचारों को वो भी नहीं इक्तदार में आ सके,
तो वो एक अलग बात है। बाकी आपने नवाज शरीफ का कल सुन लिया कि अगर 30 हलकों में भी इमरान खान जीत जाता तो अपोजिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, ज्यादा से ज्यादा पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन लीडर ना होती, ये होता, वो भी सिलसिला एक अलग बात है। लेकिन आपको ये भी साबित करना है कि मैसिव रिगिंग हुई है, नंबर एक। नंबर दो कि ये नवाज शरीफ ने की है। ये दो चीजें जब साबित हो जाएंगी फिर तो नवाज शरीफ ने कहा कि मेरा कोई जवाब नहीं रहता। लेकिन बात वही आपका जहां से सवाल शुरू हुआ था, फिर बात वहीं पे आ जाती है कि इन पांच चीजों को गवर्नमेंट अगर मान लेती है तो इन पांच चीजों के ऊपर बाकायदा कुछ गवाहान होने चाहिए दोनों तरफ से, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो देना चाहिए वहां पे। आपने इन्वॉल्व किया ना सुप्रीम कोर्ट को? नहीं, कौन से खिताब तो आपने किया ना, सुन लेना। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जुडिशियल कमीशन बना रही, मुझे बताएं। कितने दिन हो गए दरखास्त दिए हुए नवाज शरीफ की जानिब से, क्यों नहीं बना रहे, बोलें क्या वजह है? उनको नजर नहीं आ रहा? नहीं, वो भी तो कहते हैं कि ये जब तक ये अग्री नहीं करेंगे उस वक्त तक वो कैसे बनाएंगे। लेकिन आईनी तौर पे भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह का नहीं बना सकती, जब तक जो ऑर्डिनेंस की बात हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है कि ऑर्डिनेंस के जरिए ये बनवाना है। अगर आईन के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला काम अगर सुप्रीम कोर्ट को आप देंगे, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं करेगी। लेकिन उसमें जो उन्होंने एक वो जो इंक्वायरी कमीशन, वो पता नहीं 156 है या क्या, 56 के तहत वो उन्होंने तो उसमें किया हुआ है, जो सेक्रेटरी का उन्होंने भेजा हुआ है, इस पे इतराज तो नहीं किया ना कोर्ट ने अभी, इसके ऊपर इतराज तो नहीं किया, इसे डिसाइड है ना, सुना ही नहीं, पड़ी हुई ना एप्लीकेशन, बिल्कुल उसके ऊपर उनको फैसला करना चाहिए, कोर्ट को भी करना चाहिए। ये चीजें तो अब एक तरफ है, मुआयदा हो जाता है तो जाहिर है जब तक मुआयदे पर इशारा दिया है, इशारा दिया है सही खुर्शीद शाह ने, आपने कल सुना होगा, उन्होंने कहा कि बराह रास्त बात होगी, नंबर एक। नंबर दो उन्होंने कहा कि जिन तजावीज के ऊपर इतफाक हो गया फिर एक हम ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर वो हम ड्राफ्ट बनाकर गवर्नमेंट को भी पेश करेंगे, उनको भी पेश करेंगे। इसका मतलब है होगा तो वही ना सदीक, जब तक ऑर्डिनेंस नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट, हम वो इसको छोड़ दें भाई जी, मैं कहता हूँ इसको छोड़ दें, ये अब कोई अब बुद्ध ज्यादा दूर तो नहीं है, बुद्ध तक उन्होंने टाइम मांगा है, बुद्ध को चीजें आ जाएंगी। इमरान खान को पता है, वो जानता है, सियासतदान है, बन गया है, ये बना दिया गया है, वो अलग बात है। लेकिन उसको ये चीज वाकई पता है कि जब वो वहां से उठ जाएगा, देखें वो नवाज शरीफ के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे चला जाएगा, ये मैं आपको बता दूं, जहां जब तक उसको देखें कि ये चीजें उसको पता चल जाए कि ये आजादाना तरीके से सारा काम हो जाएगा, गारंटर बीच में पड़ जाएंगे, फौज को आपने साइड लाइन पे कर दिया, आपको अदलिया पे भी आपको एतबार नहीं है, आपसे मुराद है अगर इमरान खान तो वही चीज मानता है जो उसके हक में आ जाए, नवाज शरीफ भी जाहिर है अदलिया के हवाले से अंदर की जो बात है वो आपको भी मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है, तो ये चीजें भी ज़हन में रखें। नहीं, वो सब ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो चीजें जाहिर तय पा जाती हैं दोनों फरीकों के माबेन, उस पर जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक तो धरने वाले नहीं उठेंगे ना, यानी कि ऑर्डिनेंस जारी हो, जुडिशियल कमीशन बन जाए, पहले ही एक पार्लियामानी कमेटी बनी हुई है इलेक्शन रिफॉर्म्स पर, तो सारी यकीन न्या होंगी तभी ये उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे, उसके बाद ही उठेंगे। लेकिन बात ये कि वो उसके लिए रजामंद तो हो ना, वो अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। वो रजामंद कैसे हूँ भाई जी, आप कह रहे इस्तीफा हमें चाहिए, शबी शाह महमूद को देखिए, जब आपने बात इस्तीफे से शुरू करनी है तो फिर कैसे बात होगी? अब देखिए जो कुछ भी अब तक हुआ, मैं आपको सीरियसली बात बताऊं, आखिरी दिनों में आगे चलते हैं, ओके ठीक है, बात हो चुकी है, दो चार दिन पहले किसी कारम नवीस ने लिखा कि जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत खत्म करने के लिए मीर मुर्तजा भुट्टो का कत्ल हुआ कराची में, इसी तरह की साजिश हुई है मॉडल टाउन में, और शायद इसी तरह के किसी वाक्य का इंतजार किया जा रहा है डी चौक पे, ताकि फिर उसको बुनियाद बना के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को घर भेजा जा सके। इसीलिए ये जो दोनों धरने वाले हजरात हैं वो आज तक इतनी ऑफर्स आई हैं, बाकी मामला तय पा चुके हैं, लेकिन वो हिलने के लिए भी तैयार नहीं है, वो कहते हैं हमें इस्तीफा चाहिए। ये जो बात हो रही है इसमें आपको कितनी सदाकत लगती है? मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी एक मरतबा कहा था कि ये जो कुछ भी यहाँ पर डी चौक में हो रहा है, ये जो लोग कर रहे हैं, इनके पीछे जो है वो बाहर वाले लोग भी हैं, फिर ये वाले लोग भी हैं, ठीक है, मंजर आम पे चीज़ें आ गई ना जी, ये कोई ये मत समझें कि ये सिर्फ हमारा इंटरनल ही है, इसके पीछे कादरी कहाँ से आया है, किन लोगों से मिलकर है, लंदन में किन लोगों से मुलाकात हुई, लंदन में इमरान खान क्यों गया, ये सारा उसी का हिस्सा है। आपकी बात ठीक है, हम भी ये चीज़ सुन रहे हैं कि ऐसे वाक़े का वाकई इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे एक सिंपली सवाल पूछता हूँ, बीबी की जब गवर्नमेंट ख़त्म की गई 1996 में, ज़ाहिर है उस तरह के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक तो मीडिया उस वक़्त नहीं था सरकारी के अलावा, और कुछ चैनल्स तो थे नहीं,
अगर थे भी तो एक दो वो इतने वो नहीं थे। दूसरा जो जहाँ पे सियासी जमातें अब दो ही थी ना उस वक्त, नून लीग पीपल्स पार्टी, अब यहाँ पे जो जमातें हैं अब सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी एक तरह के साथ साथ हैं, बाकी तहरीक इंसाफ और जो ग्रुप है जिन लोगों ने मिलाया वो भी आपको मालूम है। एक तो ये हुआ कि जवेद हाशमी सबको एक्सपोज कर गया, नंबर एक, ठीक है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं अब उस चीज़ का इंतज़ार है, गवर्नमेंट ने तो फोर्स इस्तेमाल नहीं की ना वो करेगी। खुर्शीद शाह ने कहा 6 महीने भी बैठे रहें तो बैठे रहने दें, अच्छी बात है, फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि फोर्स भी आप इस्तेमाल करेंगे उसके बीच में ही वो भी अपना काम दिखा जाएंगे, तो वो भी एक है। लेकिन अगर बाहर से अगर कोई हमला कर गया जिसके के खतरात हमेशा मौजूद रहते हैं जिस तरह के हालात हैं, तो फिर भी वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, उससे तो मैं 100% एग्री करता हूं कि रास्ता तो तलाश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल मेरे जहन में वही आता है कि अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का वाकया हो भी गया तो फिर गवर्नमेंट, यही मतलब आप कहना चाहते हैं कि फिर वो दोस्त आएंगे, तो फिर वो नहीं, तो फिर वो जिस किस्म के दावे करते हैं किस तरह आएंगे मुझे बताइए। नहीं, सिस्टम को लपेट दिया जाएगा, फारग कर दिया जाएगा, यही नजर नहीं तो फिर वही है ना, तो हाँ लेकिन अच्छा इस पे दूसरी तरीका कार भी तो कोई निकाल लेना, कोर्ट आपकी बैठी हुई है क्योंकि कोर्ट भी अब वो वाली कोर्ट नहीं है, पार्लियामेंट आपकी मौजूद है, आप तो फिर मुल्क को खाना जंगी की जानब लेकर जाएंगे ना। लोग तो ये बात कर रहे हैं कि ये जो कोर्ट बार बार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं, अब कोई आइन से मावरा आइन कोई इकदाम नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 6 मौजूद था जब जियाउलक ने कूप किया, जब मुशर्रफ ने कूप किया, आर्टिकल 6 था आईन में, वो सारा कुछ था लेकिन उसको तहफ्फुज़ देते रहे ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ आईन में आर्टिकल 6 था, उसके बावजूद उन्होंने कूप किया। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो क्या आईन से ज्यादा मुकद्दस है कि उस डिसीजन के खौफ से कोई नहीं आएगा काम ये करने? तो आप चाहते हैं कि वो आए? नहीं, तो सूरत हाल तो इस तरह की लग रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए हमें, हमें जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमें इस किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमें मसले के हल की जानब जाना चाहिए, उन लोगों को हमें दावत नहीं देनी चाहिए। मैं आपको सिंपली बात बताऊँ, मैं आखिरी बात करूंगा, अगर वो आप यकीन मानिए इस मरतबा आ गए ना तो फिर आप भूल जाएं कि इस मुल्क में जमहूरियत होगी, फिर थाईलैंड वाला हिसाब यहाँ पे होगा, फिर फौजी पार्लियामेंट में बैठे होंगे, रास्ता तो आपने उनको दिखा दिया है, तो फिर आपका बोरिया बिस्तर तो गोल होगा, फिर आप साबित कर देंगे कि आप नाहल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सदीक साहब, ज़्यादा और भी बातचीत हमें करनी थी लेकिन टाइम कुछ कम रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर उन इश्यूज पर भी हमने बातचीत करनी है। नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿुधी, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त। अलावा ही